दहेज में 1 लाख रुपए की मांग नहीं कर पाना नवविवाहिता के मायके वालों को महंगा पड़ गया। ससुराल वालों ने दहेज के लिए नवविवाहिता की पिटाई के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद ससुराल वाले फरार हो गए। इस सूचना के बाद मृत महिला तरैया थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव निवासी एजाज आलम की पत्नी समीमा खातून के पिता वहां पहुंचे और इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा। वहीं इस मामले में मृतका के पिता के द्वारा मृतका की सास सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24। इकबाल हुआ, ठीक है। घर मकेर, क्या घटना हुआ? घटना हम उनके पड़ोस के हैं, हम लोग को मालूम चला कि हाँ। कैसे मालूम चला? एक यहाँ की लड़की है, वो फ़ोन की। क्या बताई? बताई कि आपके लड़की का देहांत हो गया है। कौन लड़की? ये अब्बास खान की लड़की का। अच्छा, तो फिर हम लोग वहाँ से फिर यहाँ आए, तो आए यहाँ पे स्पॉट पे आके देखे हम लोग, तो देखे कि हाँ लाश पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद से हम लोग और घर के लोग को सूचना दिए, फिर थाना को सूचना दिए। घटना का कारण क्या है? घटना का कारण अभी तक जांच सही नहीं पता चल पाया है। क्या कोई घरेलू विवाद था? घरेलू विवाद कुछ नहीं था। अचानक ननद में और उसमें कुछ हुआ और उसी में जब फिर गला में पूरा दाग है। अच्छा, गर्दन दाब के मारा गया है।